दशमी थी सोदेवी बात पार्षद सभी को कड़ाके की ठंड को देखते हुए कम्बल का वितरण किया और सरकार के द्वारा इन्हें किसी चीज का लाभ नहीं दिया गया, इन्होंने अपनी तरफ से सभी को कम्बल वितरित किया। संदेश देना चाहेंगे? आज अपने वार्ड में मैं हर साल बांटती हूँ कम्बल, सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती है, ये हम लोग अपने तरफ से बात बांटते हैं। आज आमंत्रण में मैं अपने डिप्टी मेयर शैबा को बुलाई थी, राजनी देवी को, इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और जनता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ कि ठंड के कड़ाके के ठंड में सरकार को ध्यान देना चाहिए, हम लोग पार्षदों को कुछ मुहैया कराना चाहिए लेकिन कुछ नहीं कराते हैं, इसमें हम लोग अपना सहयोग दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वार्ड नंबर 7 के सहित पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जरूरतमंद हैं, जो गरीब है, आशाएं हैं, वैसे लोगों के लिए कड़ाके की ठंड में हम लोगों ने चिन्हित करके वैसे लोगों को कम्बल देने का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में लोग लाभार्थी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे पटना नगर निगम के उप महापौर आदरणीय श्रीमती धनी देवी जी हैं और श्रीमती पार्षद माननीय श्रीमती शोभा देवी जी भी उपस्थित हैं। लोग इस कड़ाके के ठंड में सरकार के द्वारा भी मुहैया नहीं कराया गया था, हम लोगों ने बराबर इस बात को सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कम्बल अलाव का मांग करते आए थे, मगर जब देखा कि वैसे लोग जो वंचित हैं वैसे लोगों को आज हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को कम्बल देने का काम किया है कि कड़ाके की ठंड में लोगों को जान बच सके। बलराम चौधरी, पूर्व निगम पार्षद, सह पार्षद प्रतिनिधि।